नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी कुलदीप मेघवाल शारीरिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आज हम पढ़ाएंगे शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य। जो शारीरिक शिक्षा है आज एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में है। सामान्यतः शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य है को बेहतर रूप में ले जाने का विशिष्ट एवं प्रबुद्ध साधन है। लक्ष्य की तुलना में उन सीढ़ियों से की जाती है जो उपगे की ओर बढ़ती हैं और उद्देश्य की यथार्थता से अवगत कराती हैं, और इसके बहुत ही उपयोगी समझना जाता है क्योंकि ये उद्देश्य के मापदंडों को नापती हैं। लक्ष्य वांछनीय होते हैं, उन्हें प्राप्त किए जाना संभव है। वर्ष 1995 में अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन ने 5 लक्ष्यों को सूचीबद्ध किया। इसमें पहला जो लक्ष्य है, मानव व्यवहार के रूप में समाज में स्वीकृत प्रतिमानों को विशेषता खेलों एवं क्रियाओं के अंतर व्यक्तिगत प्रभावों के संदर्भ में समझ विकसित करना। दिल के फेफड़ों व मांसपेशियों तथा अन्य इंद्रियों को व्यवस्था की बढ़ती आवश्यकता प्रयुक्त को अनुकूलित करना, ये सारी शिक्षा का एक लक्ष्य है। दूरी समय जनशक्ति तथा संबंधित अवधारणाओं को समृद्ध बनाने के लिए समझ को बढ़ाना। केवल एम सचेसन ने उद्देश्यों को 5 वर्गों में बांटा जाता है। न्यूरो मांसपेशी का विकास करना, व्यक्तिगत एवं सामाजिक दृष्टिकोण को संजस्य करना, जैविक शक्ति अनुकूल प्रयास को प्राप्त बनाने के लिए योग्यता रखना, प्रतिपादित आत्मक एवं वैदिक विकास एवं भावनात्मक प्रतिक्रियाओं करना। प्रोफेसर आर शर्मन ने शारीरिक शिक्षा को 6 लक्ष्य को सूचीबद्ध किया है। शरीर का जैविक विकास करना, क्रियाओं कलापों के प्रति दक्षता एवं खेलों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, भावनात्मक एवं बौद्धिक विकास, शारीरिक क्रियाकलापों ने नियंत्रण एवं भागीदारी का अवसर प्रदान करना ताकि शिक्षा युद्ध अनुभव प्राप्त किया जा सके। वांछनीय एवं सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर विकसित करना, उचित स्वास्थ्य कार अभ्यास विकसित करना। एडवर्ड एफ वाल्टर ने सारे उपलब्ध साहित्यों का समीक्षा करने के पश्चात सुझाव दिया है कि शारीरिक शिक्षा का आचार लक्षणों का विस्तार किया जाता है। सामाजिक एवं भावनात्मक विकास का लक्ष्य, शारीरिक विकास का लक्ष्य, हरकत एवं प्रेरक कार्यात्मक विकास का लक्ष्य, ज्ञान एवं समझ का लक्ष्य। चार्ल्स बूचर ने निम्नलिखित विभिन्न 5 शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया है। प्रभावी विकास का लक्ष्य, शारीरिक विकास का लक्ष्य, सामाजिक विकास का लक्ष्य। उन्होंने हालांकि अन्य अतिरिक्त लक्ष्य सुझाव दिए हैं, हरकत एवं प्रयोग अक्षमता का विकास का लक्ष्य, हरकत एवं मानसिक विकास का लक्ष्य। संज्ञानात्मक क्षेत्र में शारीरिक शिक्षा के समझ में ज्ञान का विश्लेषण तथा सभी अध्याय का विश्लेषण और मूल्यांकन आदि शामिल किए जाते हैं। वे बौद्धिक योग्यता एवं दक्षता का विकसित उत्तरदायी हैं। इस संदर्भ में निंदनात्मक योग्यता में सुधार किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है सामाजिक, मानसिक तथा भौतिक विकास करना। मनुष्य के शरीर से लेकर उसका मानसिक विकास करना शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। धन्यवाद साथियों।